नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पीएम मोदी ने मंगलवार को आईआईटी खड़गपुर के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपको लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए स्टार्टअप शुरू करने होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आपको आत्म जागरूकता, आत्मविश्वास और निस्वार्थता पर काम करना होगा। आप अपने सामर्थ्य को पहचान कर आगे बढ़े, पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़े, निस्वार्थ भाव से आगे बढ़े। आप भारत के 130 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के दौरान आईआईटी के जरिए बनाए गए टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर ने महामारी से लड़ने में बहुत मदद की। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने की वजह से हुई त्रासदी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमें आपदा का सामना करने में समक्ष बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन और इसकी वजहों पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं ने दुनिया के सामने बड़ी चुनौती खड़ी की है। ऐसे में आईआईटी को आपदा के प्रभावों का सामना करने में सक्षम आधारभूत ढांचा विकसित करने में मदद करनी चाहिए। ऐसे समय में जब दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रही है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सुरक्षित और अफोर्डेबल इन्वायरमेंटल फ्रेंडली विचार दुनिया के सामने रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रही है, ऐसे में भारत ने दुनिया का ध्यान आपदा प्रबंधन के मुद्दे पर दिलाया है। आपने देखा कि हाल ही में उत्तराखंड में क्या हुआ। हमें आपदा सहने में सक्षम आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए, जो प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों को बर्दाश्त कर सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।